नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कितना हैप्पी है ये जन्माष्टमी, कितनी चीज़ें हो सकती थी और हो रही है इस देश में। सच मानो तो आज मेरा भी बहुत मन था जन्माष्टमी का व्रत रखना, लेकिन नहीं रख पाई। एक मन नहीं कर रहा था और दूसरा कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से मैं नहीं रख पाई। अच्छा, अब चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा क्या है? अभी जोरों शोरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रैलियां कर रहे हैं, हम आवेदन कर रहे हैं, हम कहीं पर धमकी दे रहे हैं, कहीं आवेश में हम बहुत कुछ कह रहे हैं, कहीं हमारी गिरफ्तारियाँ हो रही है, कहीं हमें संरक्षण हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है इस देश में, लेकिन जस्टिस नहीं हो रहा है। बस इसी चीज़ की तो कमी है इंडिया में। अब तो प्राउड टू बी एन इंडियन भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये वही भारत है कभी जिसके ऊपर हम नाज करते थे, और अब ये भारत है जो 78th एनिवर्सरी मना रहा है अपनी, लेकिन अभी भी हम स्वाधीन नहीं हुए हैं, अभी भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, अभी भी लड़कियां बाहर रास्ते में अंधेरा हो तो थोड़ी सहम जाती है, अभी भी लड़कों को देखकर वो ये सोचती है कि क्या ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा है या ये अच्छी दृष्टि से देख रहा है, कोई गलत तो कुछ नहीं करेगा। हम किसी लड़के के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। बकायदा लड़कों के कमेंट्स आते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसने फ्लर्ट किया होगा, वो इस तरह की, इस कैरेक्टर की होगी, वो अकेले रहती होगी, बहुत कुछ कहा जाता है लड़कियों को, पर लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता। लड़कों को आज तक सिखाया नहीं जाता कि बच्चे उस लड़की को भी उसी नज़र से देख जिस नज़र से अपनी माँ और बहनों को देखता है, नहीं सिखाया जाता। आज भी हम उसी देश में हैं जहाँ पर ऐसे कुकर्म किए जाते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री, जो पूरे भारत में एक मुख्यमंत्री जो महिला है, वो ये कहती है कि 10 लाख रुपए दे सकती हूँ, मैं 10 लाख रुपए दे सकती हूँ, और कुछ करना है तो और भी कुछ कर सकती हूँ उसके परिवार के लिए। क्या डॉक्टर मोमिता वापस आ जाएगी 10 लाख रुपए के बाद? क्या उसकी वो इज्जत वापस आ जाएगी? क्या माँ बाप के जो आंसू रुक नहीं रहे हैं वो खुशी में बदल जाएंगे 10 लाख लेने के बाद? नहीं ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक अपडेट देने के लिए। वो अपडेट ये है कि सीबीआई, ये वही सीबीआई जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो कोलकाता की सीबीआई है, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि लगातार 7 दिन ग्रिल करने के बाद, 7 दिन इंटेरोगेट करने के बाद संदीप घोष को वो लोग शियालदा कोर्ट लेकर जाती है। शियालदा कोर्ट लेकर जाने का एकमात्र उनका एक ही एजेंडा था, उनको वहाँ पर रखकर थोड़ी देर और विश्राम देने के बाद कोर्ट से परमिशन लेने वो चले गए। उन्होंने अप्लाई किया था कोर्ट में, आप ले लीजिए 22 तारीख को अप्लाई किया था, थर्सडे, आई डू नॉट रिमेंबर द डेट, बट इट वॉज थर्सडे, एंड थर्सडे को कोर्ट में अपील किया था सीबीआई ने कि हमें संदीप घोष के ये सारे इंटेरोगेशन पे भी बिलीव नहीं हो रहा है, एंड हम चाहते हैं कि न सिर्फ संजय रॉय, जो बहुत बड़ा एक अभी कह सकते हैं राक्षस, निर्दयी राक्षस, उसका पॉलीग्राफ तो कराया ही, लेकिन हम चाहते हैं कि संदीप घोष और वो 4 लोग, यस दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो 4 लोग थे, जो 4 और इंटर्न्स थे, जूनियर्स थे, जिन्होंने आखिरी बार हमारी डॉक्टर मोमिता को देखा, उनसे बात करी, जो उनके साथ रात को डिनर किया जिन्होंने, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं कहूँगी बट उनको जुडिशियल कोर्ट ने अपने तरफ, मतलब यू नो, अपने जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है, एंड इन 4 जनों को पूछताछ किया जा रहा है, बहुत पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन
सीबीआई का कहना है कि इस पूछताछ से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान संदीप घोष ने काफ़ी ऐसे गुमराह कर देने वाले आंसर्स दिए हैं। ना सिर्फ संदीप घोष, इन चार बच्चों ने भी, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है डैडी संदीप घोष ने, उन डैडी संदीप घोष के ये जो चार पिल्ले हैं, नाम भी सामने आ चुके हैं, ओरको, सुमित्र, शुभोदीप एंड गोलम, ये चार लोग जो इस रात को, इस हादसे की रात को, 8 से 9 की इस रात को डॉक्टर मोमिता के साथ थे, क्यों अभया कहेंगे हम उन्हें? उनके नाम से क्यों नहीं जानेंगे? क्यों हमें नहीं लेना है उन्हें अभया नाम? हम उनके नाम से उनको वाकिफ करेंगे, उसको हमें जस्टिस दिलाना है ना, तो उसी का नाम लेंगे, उसके नाम पे जस्टिस दिलाएंगे। तो डॉक्टर मोमिता के साथ आखिरी बार डिनर किया इन चारों ने, इनमें से जो ओरको एंड शुभोदीप है, जहाँ तक हमें सूत्रों के द्वारा पता चला है, ओरको, शुभोदीप ये लोग जूनियर्स थे, एंड उन लोगों ने कहा, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, कि इनकी भी पॉलीग्राफ की अपील की गई है थर्सडे को। तो इन्होंने जो कहा, इन चार पिल्लों ने अलग अलग अपनी वाचनाएं रखी हैं जिनका कोई मैच नहीं हो रहा है। इनका कहना था कि इन लोगों ने डॉक्टर मोमिता के साथ डिनर करा, नॉट गोलम, बट ये तीनों ने डिनर करा। डिनर करने के बाद नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में लास्ट फाइनल्स चल रहा था, जिनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग फाइनल्स, ये सारी कहानी सुनिएगा आप, कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, फाइनल्स हम लोग साथ में देखेंगे। अब एक पॉलीसोमिक रूम होता है, इफ़ आई एम नॉट करेक्टली प्रोनंसिंग इट, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट पॉलीसोमिक करके कुछ टेस्ट होते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि किसी को रात को नींद क्यों नहीं आती। ये बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं कि रात को क्यों नींद नहीं आती है, क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, रात को क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। एंड इसका एक बकायदा एक रूम बनाया जाता है, और ये रूम, मैं आपको बता दूँ, एक इंटर्न रूम होता है, एक डॉक्टर्स रूम जिसको कहा जा रहा है, डॉक्टर्स रूम या इंटर्न रूम, और एक व्हाट यू से रेस्ट रूम जिसको कहा गया है, और ये पॉलीसोमिक रूम, जहाँ पर ये पॉलीसोमिक पेशेंट्स बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। बट उस रात को एक पेशेंट आया था, लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि उस रात को एक पेशेंट की इमरजेंसी में वो सारे टेस्ट हो रहे थे पॉलीसोमिक में। तो उस दौरान उनका कहना है कि हम लोगों ने डिनर किया था रात को 12 बजे के करीब, जबकि हमें ये पूरी तरह से पता है कि डिनर हुआ था 2 बजे के करीब, 2 बजे डिनर कंप्लीट हुआ था, यानी कि 11:30, 11:30 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर, लेट्स नॉट टेक इट फुल्ली टू, बट उस दौरान उन्होंने डिनर किया था। एंड क्योंकि जो टाइमिंग इनका कहने का है कि 12 बजे के करीब उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया था, तो लेट मी अगेन रिमाइंड, 11:15 के करीब डॉक्टर मोमिता ने अपने घर पे कॉल किया था एंड कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ही देर में डिनर करूँगी, अभी सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, कुछ ओपीडी, कुछ जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो करवाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों की ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी, कि वो सारे मरीजों को अच्छे से देख कर उनको प्रॉपर मेडिकेशन मिल रही है या नहीं, वो चेकआउट करने के बाद ही वो अपना रेस्ट रूम में या फिर अपना खाना वाना खाते हैं। बहुत ही कम टाइम मिलता है उन लोगों को, बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ होती है एक डॉक्टर की। तो उसके बाद हमें पता है कि उन्होंने कितने बजे खाना खाया, लेकिन इन पिल्लों का कहना है कि उन लोगों ने रात के 12 बजे के करीब खाना ख़त्म करके वो लोग सब सेमिनार रूम में जाते हैं, सेमिनार रूम में एकदम सट के या ऑपोजिट साइड में पॉलीसोमिक रूम होता है, उस पॉलीसोमिक रूम में ये दोनों बंदे बोलते हैं कि वी विल रेस्ट, क्योंकि अभी इमरजेंसीज कुछ आया नहीं है एंड हम लोग वहाँ पर सोएंगे, बट उससे पहले लेट्स वॉच द नीरज चोपड़ा का फाइनल्स ऑफ ओलंपिक। तो ये करते करते लगभग हो जाते उन लोगों के
उनका कहना है इससे 2-2.5 बच जाते हैं। अब ये 2-2.5 जो बच जाते हैं उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम दोनों, मतलब जो दो लड़के हैं और को एंड शुभोदीप, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पॉलीसोमिक रूम में सो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 बेड होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सो जाएंगे या रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज उतने पेशेंट्स आएंगे नहीं, आज उतना इमरजेंसी कॉल्स नहीं है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको बताएंगे, आप सेमिनार रूम में जाकर सो जाइए। तुम कौन होते हो बोलने वाले? लेट्स से ठीक है, सेमिनार हॉल में सो जाते हैं, चलो वो भी बहुत अच्छी बात। आप अपने सीनियर को कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो ही हम आपको बुलाएंगे, वरना वी विल हैंडल। नॉर्मली यही होता है कि कोई केस आता है तो पहले जूनियर्स देखते हैं, अगर उनके हाथ में वो चीज़ नहीं संभलती है तो वो लोग सीनियर्स के पास जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मोमिता वॉज द सीनियर अमंग देम। इसके बाद वो लोग अपने पॉलीसोमिक रूम में चले जाते हैं एंड डॉक्टर मोमिता स्टेज इन द सेमिनार रूम। एंड ये जो इंटर्न रूम, ये रेस्ट रूम, ये सेमिनार रूम, सब बहुत ही ज़्यादा बगल बगल में है, मतलब एकदम ही बगल में। यहाँ पर अब खेला शुरू हो रहा है, द रियल खेला। यहाँ पर इनकी कहानियाँ ये है कि हम लोग उस रूम में उसके बाद नहीं गए हैं क्योंकि हमें अपनी सीनियर को डिस्टर्ब नहीं करना था। अब एक लड़का कहता है, फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाय, बट वो कहता है जिसकी शिफ्टिंग होती है फर्स्ट फ्लोर पे इमरजेंसी में, वो बंदा कहता है कि पॉलीसोमिक का एक पेशेंट आ रहा था एंड जिसकी वजह से हमें पॉलीसोमिक रूम में जाना पड़ता है, और उसके पहले कुछ कायदे कानून, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसकी वजह से मुझे 3rd फ्लोर में जाना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसे 3rd फ्लोर में जाना पड़ता है। एंड ये भी उसी मोमेंट में, उसी दौरान, लाइक 3 बजे, 3:15 बजे वो इमरजेंसी वार्ड से, 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर में जा रहा है। एंड लगभग उसको, ये CCTV कैमरा की बातें हैं, ये CBI ने इन चारों को क्यों पकड़ा, क्योंकि इन चारों का भी CCTV कैमरा के फुटेज में आना दिखाई दिया है। लेट मी टेल यू, इन सब के मार्किंग्स आई है CCTV कैमरा की फुटेज में, इन सब को देखा गया है सेमिनार रूम के अगल बगल। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा, सारे रूम्स बहुत अगल बगल थे। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस बंदे को भी 3:15 के करीब वहाँ पर देखा गया, फिर वहाँ से निकलते हुए भी दिखाया गया, 3:30 के करीब उसको निकलते हुए दिखाया गया। उसके बाद जो दूसरा डॉक्टर है उसका कहना है कि मैं तो पॉलीसोमिक रूम में ही था। एंड अब आता है थर्ड गोलम। गोलम का कहना है कि वो भी किसी काम से वहाँ पर उस दौरान में, CCTV कैमरा के फुटेज में उसी दौरान में, ये टाइमिंग्स जो है बहुत ही आसपास की दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है टाइम द सो कॉल्ड जानवर, वो जानवर क्यों कहूँ, हैवान, संजय रॉय का, जिसका टाइमिंग दिखाया जा रहा है कि उसने 3:00 लेट मी टेल यू इन हिंदी में उतना शायद मैं ना करेक्ट बोल पाऊँ, इट वॉज 3:32, वो अपनी बाइक पार्क करता है बाहर RG कॉर के। एंड उसके बाद 3:37 या 3:38 तक वो सेमिनार रूम के बाहर दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद लगभग 4:03 or 4:02 वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो स्टोरीज है, CBI को ये पच नहीं रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जिनकी वजह से उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपील करी थर्सडे को। एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस अपील को अपनी रजामंदी दे दी। बाय 23rd इट वॉज सेड के ओके, यू कैन डू इट। अभी तक पॉलीग्राफ के रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, हमें बताए नहीं गए हैं, हमारे सामने वो अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन जो अपडेट हमें मिले हैं संजय रॉय के, वो बताना चाहती हूँ कि उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। एंड उसके ऊपर जो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने सारी बातें बताई, उसने अपने पूर्व जो 3 शादियाँ, 4 शादियाँ उन्होंने करी है,
उसके बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि यस, उस हादसे की रात को उसने पोर्नोग्राफी देखी, उसने वैसी अश्लील वीडियोस देखी, एंड वो वीडियोस देखने के बाद ज़्यादा ही हाइपर हो गया। उसने शराब पी थी उस रात को, एंड शराब पीकर वो सेमिनार हॉल के अंदर गया था और उसने ये रेप करा है, उसने ये कुकर्म करा है डॉक्टर मोमिता के साथ। लेकिन यहाँ पर बार बार एक बात बताना चाहती हूँ, बार बार आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जो सूत्रों के हवाले से हम कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, वी डू गेट अपडेट्स। तो इस अपडेट में भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मोमिता के शरीर पे बहुत सारे निशान, बहुत सारी जगहों से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, नॉट ओनली प्राइवेट पार्ट्स बट आँखों से, मुंह से, दांत टूटे हुए, कानों से, गले से, ये हाई कॉलर का जो बोन होता है वो टूटा हुआ था, पेल्विक गर्डल टूटा हुआ था, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि ये जो कहानी रचाई गई है, वो जो कहानी आपको सुनाई गई है, जो मैंने आपको बताया कि ये चार पिल्लों ने बताया, ये संजय रॉय ने बताया, एक लड़की संघर्ष नहीं करेगी? एक लड़की क्या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? ये टेस्ट किया गया है, ये बताया गया है कि जो हमारी ऊर्जा है, लेट्स से मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत दुबली पतली लड़की हूँ ना, मेरे में उतनी शक्ति नहीं होगी शायद तक, लेकिन जब आपको इस तरह का मोमेंट होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आती है ना, मेरे जैसी दुबली पतली लड़की भी किसी पहलवान को धक्का दे सकती है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उस टाइम में उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा का लिमिट बाहर होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर मोमिता का कद काठी ऐसा था, बिल्कुल था, कि अगर वो रेसिस्ट करे, धक्का मारे, तो एक इंसान जो उसका रेप कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, उसके शरीर पे एक भी निशान नहीं आएंगे? क्या आपको ये लगता है? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन संजय रॉय के शरीर पर एक भी दाग नहीं, एक भी संघर्ष का दाग नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स आई, जो सीमन मिला उससे मैच हुआ है, लेकिन इस सीमन में सिर्फ एक ही का डीएनए था, ये बात बाहर नहीं आई है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में बाहर नहीं आई है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जब सीबीआई ने इन चार पिल्लों को पूछा कि रूम्स इतने आसपास थे और जो डॉक्टर मोमिता के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही थी, वो डेफिनेटली चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होगी, आप सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होगी, तो आप तक ये आवाज़ नहीं आई? उन लोगों का आंसर सुनिएगा, सारे के सारे का एक ही आंसर, सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ है, इस वजह से हमें सुनाई नहीं दिया। रियली? यू नो व्हाट, आप एक सेमिनार हॉल नहीं, किसी भी साउंड प्रूफ मल्टीनेशनल कंपनी का साउंड प्रूफ हॉल के अंदर जाइए, एंड वहां पर कुर्सियां तोड़िए, कुछ गिराइए, बाहर अगर आपको आवाज ना आए ना, तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। मैं बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पर भी ऐसे सेमिनार हॉल्स, ऐसे साउंड प्रूफ हॉल्स हैं, लेकिन इतने भी साउंड प्रूफ नहीं होते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो और आपको पता ना चले। बेवकूफ़ किसी और को बनाना, हमें पागल मत बनाइए। एंड इसी वजह से सीबीआई को ये सारी बातें सेटिस्फाई नहीं करी। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ, ये सारे डॉक्टर्स हैं, ये बहुत उच्च कोटि के डॉक्टर्स हैं, हैवान तो है ही, और इन हैवानों को डिग्री मिली है, एंड पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट का कैसे मिसयूज या मिसएडवांटेज करना है ना, इन्हें बहुत अच्छे से पता है, ये हम सबको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट दिल की हार्ट बीट से कैलकुलेशन पे होता है,
तो एक शातिर दिमाग वाला इंसान अगर अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखकर सारे आंसर्स दे तो क्या करोगे? थैंक गॉड कि इन पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट नहीं मानती। ये सिर्फ एक साधन होता है सारे इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से सामने रखने की, एंड उसी के वजह से ये इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी हेल्प हो, इस वजह से सीबीआई ने ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग रखी थी। अब तक तो हो भी गया होगा, अब बस इंतज़ार कर रही हूँ मैं उनकी रिपोर्ट्स का, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखिए ये उच्च कोटि के डॉक्टर्स हैं, इन्हें आता है मैन्युपुलेट करना, अपनी धड़कनों को भी मैन्युपुलेट कर सकते हैं, ये वो हैवान है। इन्हें बाहर निकाल के नंगा करके घुमाकर इनके साथ दुर्दशा कर देनी चाहिए, इनके कपड़ों को छीन लेना चाहिए, इन्हें मारना चाहिए, लोई लोहान कर देना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि वो अपनी मौत के लिए हाथ जोड़कर विनती करें, अपने जीवन के लिए नहीं अपनी मौत के लिए हाथ जोड़कर विनती करें और कहे कि मुझे मार दो, प्लीज़ आप मुझे मार दो। बट हम उसे मारेंगे नहीं, उसे नचा नचा के कूद कूद के उसके ऊपर ऐसा शोषण करेंगे ना कुत्तों के साथ, नहीं नहीं कुत्ते क्यों कह रही हूँ, कुत्ते तो अच्छे जानवर होते हैं, इन हैवानों के साथ, इन नपुंसकों के साथ जिन्होंने अपने नेक्सस को बचाने के लिए, अपने काले धंधे को बचाने के लिए एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है। यहीं तक, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। लल्ला तो आए हैं लेकिन ऐसी दुनिया में अब वो आने से भी शर्माते हैं, कलयुग है ना, क्या करें, टू मच। कुछ और खबरें आने पर, कुछ और अपडेट आने पर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, तब तक के लिए इन सारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि ये जितनी आगे बढ़े उतना ही सीबीआई पे और प्रेशर बने। सीबीआई थैंक यू सो मच, क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन और करना पड़ेगा, इस बेटी को न्याय दिलाना पड़ेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। We want justice and we will get justice. Thank you so much. Jai Hind.